अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहज़ेब खालिद अरकम एसोसिएट की जानिब से हाजिर हूं एक और वीडियो के साथ। मैं इस टाइम बैरिया टाउन कराची के सबसे बड़े प्रीसेंट बैरिया टाउन कराची के दिल यानी कि बैरिया गोल्ड सिटी में मौजूद हूं। बैरिया गोल्ड सिटी में तीन डिफरेंट किस्म की कटिंग दी गई हैं। इसमें 500 स्क्वायर यार्ड, 1000 स्क्वायर यार्ड और 2000 स्क्वायर यार्ड के प्लाट मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं 500 स्क्वायर यार्ड प्लाट की। 500 स्क्वायर यार्ड के प्लाट की जो बुकिंग प्राइस थी वो 85 लाख रुपए थी और इसके जो पोजेशन एंड यूटिलिटी चार्जेस हैं वो 5,61,600 रुपए हैं। बात करें गोल्ड सिटी के 500 स्क्वायर यार्ड के प्लाट की करंट वैल्यू की, तो इसकी जो करंट वैल्यू है वो 1 करोड़ से लेकर 3,25,00,000 रुपये तक है। और इसके बाद बात करें 1000 स्क्वायर यार्ड के प्लाट की, तो 1000 स्क्वायर यार्ड की जो बुकिंग प्राइस थी वो 1,55,00,000 रुपए थी और इसके जो पोजेशन एंड यूटिलिटी चार्जेस हैं वो 7,48,800 रुपए हैं। बात करें 1000 स्क्वायर यार्ड की करंट वैल्यू की, तो इसकी जो करंट वैल्यू है वो 2,75,00,000 से लेकर 5,50,00,000 रुपए तक। सबसे एंड पे बात करते हैं 2000 स्क्वायर यार्ड के प्लाट्स की। 2000 स्क्वायर यार्ड के प्लाट की जो बुकिंग प्राइस थी वो 2,55,00,000 रुपए थी और इसके जो पोजेशन एंड यूटिलिटी चार्जेस हैं वो 9,28,200 रुपए हैं। इसके बाद बात करते हैं बैरिया गोल्ड सिटी की फैसिलिटीज़ की। बैरिया गोल्ड सिटीज़ में टोटल 6 मॉस्क हैं, जिसमें से अभी एक मॉस्क मस्जिद शुहदा तमीर हो चुकी है। इसके अलावा इसमें 10 से लेकर 12 तक पार्क्स हैं। इसके अलावा गोल्ड सिटी के अंदर 3 शॉपिंग गैलरीज, 1 5-स्टार होटल, रयान गोल्फ हिल्स क्लब। बैरिया गोल्ड सिटी में एशिया का सबसे बड़ा 36 होल का गोल्फ कोर्स है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा और पहला 36 होल का गोल्फ क्लब है। बैरिया गोल्ड सिटी अपनी ग्रीनरी और अपने व्यूज़ की वजह से मशहूर है, इसीलिए इधर इन्वेस्टर्स का और एंड यूजर्स का बहुत रुझान है। और अगर आप भी इस प्रीसेंट में किसी किस्म की बाइंग एंड सेलिंग करना चाहते हैं तो राब्ता कीजिए हमारे दिए गए नंबर्स पर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्त शाहज़ेब खालिद को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।